हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा पोता मुझे मुझे पता तक नहीं यार। सर हमने पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यह आप ही का पोता है अर्जुन। हाँ सर, नकुल ने अपने मां से कुछ दिन पहले प्रिया से शादी की थी। माय गॉड, अब समझ में आ रहा है क्रिकेट को क्या कहना चाहता था। 10 साल का बदला, 10 साल से मेरी वजह से 10 साल उसने जेल में गुजारे हैं। उन्हीं 10 सालों का बदला लेना चाहता है वो मेरे मेरे 10 साल के पोते से, अर्जुन से। क्यों जिंदगी फिर से इम्तिहान ले रही है मेरा? क्यों फिर से इम्तिहान ले रही है तू? मानता हूं मैं, पिछले इम्तिहान में मैं नाकामयाब रहा, बुरा बाप साबित हुआ मैं, जो अपने बेटे को सही इंसान नहीं बना पाया, तो फिर उसी बाप के हाथों उसको मार भी डाला। इस बार मैं अपने पोते अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। माफ कीजिएगा, इतनी रात आपको तकलीफ थी, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? मैं खुद ही आ जाता हूं। आ, वाह, कमाल लगा। अरे वाह, बोल भी चालू है। कितने पैसे कमाए किसी भी साहब आपने? कौन कौन रहता है इस घर में? एसीबी साहब, आप सीआईडी वालों को कोई काम धंधे नहीं है क्या? बात बात पे गन दिखाते हो। अर्जुन कहाँ है? वरना गोली मार दूंगा। और कोई दूसरा डायलॉग आता नहीं है, फिल्मी डायलॉग है। ये कर दे वरना गोली मार दूंगा, वो कर दे वरना गोली मार दूंगा। अरे नहीं मार सकते आप, क्योंकि अगर आपने मुझे मार दिया तो आपके पोते के बारे में आपको कौन बताएगा? आप खुद जानते हैं। मगर मैं आपको आपके पोते से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख सकूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एजीबी साहब एक काम करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कौन सा काम? तो खैर, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे कल सुबह नाश्ता वाश्ता करके आपको पहुंच जाना है। आपको आपके पोते से मिलना है कि नहीं मिलना? नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने पूछा नहीं कि काम क्या है, कल सुबह इस एड्रेस पे आके करना क्या। चलिए मैं बता दूं, आपको 2 खून करने। दो? अब पूछिए किसके खून करने? वो जो आपके अंतर पंतर है ना, दया और अभिजीत, जय और वीरू, इनकी दोस्ती को तोड़ना है, इनको इनको इनको, इनको गोली मार दोनों। ये काम करना पड़ेगा आपको बेशक साहब। जैसे ही आप उन दोनों को मारेंगे गोली, तुरंत आपका पोता आपकी नजरों के सामने होगा। अभी जो आपका जो चेहरा ऐसे गुस्से से तमतमाया हुआ है,
आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ये लोग हैं कौन? कौन है ये दया और अभिजीत? आपके आपके रिश्तेदार हैं? आपके सगे वाले? नहीं, आपका पोता आपका रिश्तेदार है। पोती के बारे में सोचिए, ये लोग आज हैं कल नहीं है। मेरे जैसा क्रैकोटा उनकी खोपड़ी आके क्रैक करके चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। अगर आप कल नहीं आए, कसम से बोलता हूं आपका पोता मर जाएगा, जिंदा नहीं रखूंगा उसको। बोल रहा हूं ऐसे, बुरा मत मानिए। सर वो हमने उसे यहाँ पे आते हुए देख लिया था सर, इसलिए पीछे से घुस गए। सब कुछ सुन लिया हमने सर, हमें भी यही ऑफर देके गए। क्या? बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते रह गई जान हमारी जाते जाते। बड़ी देर लगा दी भाई। अर्जुन को कहाँ छुपा के रखा पता? इतने आदमी को गल दिखाते हैं, यही है सीआईडी की पावर, यही है सीआईडी की ताकत। गन अच्छा, तुझे मेरी बहादुरी देखनी? बहादुरी देखेगा? अर्जुन कहाँ है? अब सर पे आप लोगों को किसी भी साहब का पोता चाहिए? कोई बात नहीं, मिलेगा। अभिजीत साहब, मुझे चाहिए तुम दोनों की वफादारी का सबूत। वैसा मैं देखना चाहता हूं कि एसीपी प्रद्युम्न के पोते को बचाने के लिए आप लोग किस हद तक जा सकते हैं। अभी साहब बताइए। किसी भी हद तक अपनी जान दे भी सकते हैं और जरूरत पड़ी तो किसी की जान ले भी सकते हैं। मुझे भी यही लगा था। क्या आप दोनों की वफादारी में इतनी हिम्मत है कि एसीपी प्रद्युम्न को उसका वारिस, उसका परिवार, उसका पोता वापस देने के लिए अपनी कुर्बानी दे सके? तो फिर अब मान लिया उसका ऑफर? हाँ, बोल दिया। क्या तुमने उसकी शर्त मान ली? क्या अर्जुन को बचाने के लिए मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा? मैं ये सोच भी कैसे सब? नहीं सर, हम एक बार अपने आप पे शक कर सकते हैं, मगर आप, हम जानते हैं कि आप कभी भी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते हैं। सर, हमने इसलिए हाँ कही है ताकि उसका खेल समझ के अर्जुन को बचाया जा सके। अच्छा, तो ठीक है, कल तैयार रहना मेरी गोलियां खाने को। ओ, आ गए, आप ही का इंतजार कर रहा था। दरअसल आपकी उम्र बहुत लंबी है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उम्र वाली लाइन इन लोगों के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि इनकी उम्र की कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? देखो क्रकटो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है,
मैं दया और अभिजीत को मारने के लिए तैयार हूं, मगर उससे पहले मैं अर्जुन को देखना चाहता हूं। आपको पोते को देखना है ना? इनके पोते को देख, बड़ी तमन्ना है आप लोग। बोलिए अंकल बचाओ, प्लीज अंकल बचाओ। अर्जुन जाओ अंकल, प्लीज अर्जुन। ना 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 ना, एसीबी साहब आपको बहुत वक्त मिलेगा अपने दुलारे पोते को ऐसे गोदी पे बिठा के उसको कहानियां सुना सकते हैं, बहुत वक्त मिलेगा। चलिए जिस काम के लिए हम आए हैं वो करते हैं। चलिए गेम शुरू, निकालिए गन। देखो क्रकटो, पोता कब्र में लटक रहा है, उसकी जिंदगी या इनकी जिंदगी, वो मामूली लोग हैं, है ना। चलिए गन निकालिए। चलिए यस, तानिए उनके उनके गन तानिए। कुछ नहीं हुआ, आपने क्या कर्ण की तरह कवच कुंडल पहने हुए हैं? है ये क्रकटो क्या गधा है, क्या गधा है? अरे ये एसीआईडी की गन 20 साल पुरानी, जंग लगा हुआ है इसको, ए पकड़ रहा है। ये है, इसमें कानून का जंग नहीं लगा हुआ है, और हां मासूमों का खून करने में ये गन बहुत एक्सपर्ट है, एकदम तरबेज है ना। ये लोग मासूम नहीं है, फिर भी लीजिए ऐसे दिखा। हाँ। अब इन पे गन तानी, कमा कमा। चलिए मुझ पे मत तानना, ऐसी गलती मत करना, वरना बेचारा आपका पोता, कमा कमा टाइम पास मत कीजिए, तानी है। एक मिनट मुझे ये गन की आवाज से ना बड़ी तकलीफ होती है, आप दोनों जरा इधर आइए, इधर इस तरफ, यहाँ 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 आइए। हाँ तुमसे रिक्वेस्ट करो, देर मत करो, मारो इनको, अगर तुमको अपने पोते को बचाना है तो इनका खून करो। इसे भी इतनी आसानी से नहीं। एसीबी साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, दुनिया की सारी जो शातिर लोमड़ियां है ना, वो आपके सामने पानी मांगेंगी। बड़ा नाम है आपका, आपने गोलियां तो चलाई इन पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मर जाएंगे, है कि नहीं? देख तेरे सामने मैंने गोली, एक काम करो, सीधे यहां एक क्षण में काम खत्म। कमा, अगर उसे कुछ हुआ, गोली नहीं मारोगे तो मर जाएगा वो। चलो आ जाओ, आ जाओ एसीपी, आ जाओ, मारो इनको गोली। सॉरी अभिजीत, सोचिए मत, गोली चला दीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं सर। अरे ड्रामा कम करो ना यार, टाइम नहीं है मेरे पास एसीपी साहब,
मारिए गोली। एक मिनट, सर सॉरी सर, माफ कर दीजिएगा सर, कभी कोई गलती हुई हो तो। सॉरी अभिषेक। अर्जुन, ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा एसीपी। चुप। अर्जुन, अर्जुन, तुम लोग बच कैसे गए? बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ और नकली खून, तुझे क्या लगता है खाली तो ही होशियार है, है? तू कौन है? सर, अर्जुन ही है। क्या? अर्जुन कहाँ है? अपनी मौत के बात करें। यमराज उधर खड़ा है, तुम उसकी जान ले जाने के। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुझे यमराज इस पे नार्को टेस्ट करते हैं। इतनी खूबसूरत हाथों से तो मैं कोई भी इंजेक्शन लगवा लूं। हम अर्जुन तक पहुंचेंगे भी और उसे बचाएंगे भी, और वो कहां है ये तो खुद हमें बताएगा। एक बार इस दवाई का असर शुरू हो गया ना, सब कुछ सच सच बोलेगा तू। सच बोलने की दवाई? अभी तक तो कोई सिरदर्द की दवाई सुनी थी, खांसी की दवाई सुनी थी, ये पहली बार सुना है। सीआईडी कुछ भी कर सकती है, दवाई दे के सच बुलवाओगे? बुलवाओ बुलवाओ, जो बुलवाना है। बस दवाई का असर हो गया, पूछो सवाल। क्रकाटो, अर्जुन कहाँ है? मालूम नहीं। अर्जुन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? जेल में एक साथी था मेरा, मैक्सी, मस्ती मस्ती को तुम्हारे बेटे के बारे में, नकुल के बारे में पता था, और तुम्हारे बेटे नकुल के बारे में बोलते बोलते वो अर्जुन के बारे में भी कह गया। तो मैंने मेरे एक और साथी नमित को फोन किया और उसको कहा कि वो अर्जुन को ढूंढे, पता लगा, और नमित ने उसे ढूंढ लिया और तुमने बता दिया। हाँ, मैंने उसको कहा कि जैसे ही मैं जेल से रिहा हो जाऊंगा वो तुम्हारे पोते अर्जुन को किडनैप कर ले। जेल से छूटते ही तुम नमित से मिलने पहुंच गए, है ना? बॉस, जैसा आपने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने ठीक बिल्कुल वैसा ही किया है। उस बच्चे को एक खुफिया जगह छुपा दिया है मैंने। वाह, क्या बात है मेरे पे? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू बॉस। जिस जगह मैंने उस बच्चे को छुपाया है वो पुराने। क्या? इससे पहले क्यों तुम्हें बता पाता कि अर्जुन कहाँ है, तुमने नमित को मार डाला? हाँ, क्योंकि अर्जुन एसीपी प्रद्युम्न के खानदान आखिरी चिराग है। इसलिए मैंने खुद को भी ये पता नहीं लगने दिया कि उसे किडनैप करके कहाँ छुपाया है। वो संदेश याद है? वो संदेश तुम्हारे होते गए थे इसी भी तुम्हारे लिए। अब एक दिन बचा। जिस तरह मैं जेल में 10 साल तड़पा,
मैं चाहता था कि तुम्हारा पोता भी उस तरह तड़पे। अगर एक दिन में अपने पोते तक नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारा पोता मर जाएगा। सब कुछ मेरे किए कराए का अर्जुन भुगत रहा है। अरे ये उम्र उसके हंसने कूदने की खेलने की थी, लेकिन उसे ये दिन देखने पड़े। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। वो जहां भी होगा संघर्ष कर रहा होगा, लड़ रहा होगा। मत बोलो कि उसकी रगों में तुम्हारा खून है, एक फाइटर एसीबी का खून है यार। सर अभी भी वक्त है सर, हम ढूंढ लेंगे उसको। सर उस ट्रक से और नमित के लाश से जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा जिससे हम अर्जुन तक पहुंच सके। उसके जेल भी जाने की तैयारी करो और अर्जुन के वापसी की तैयारी। अब एसीपी प्रद्युमन जिंदगी से हारने के मूड में नहीं है। अब ये केस किसी सीआईडी ऑफिसर की नहीं बल्कि एक लड़ाई है, एक दादा के अपने पोते के लिए। सर खालीसपुर से निकलने के बाद नमित का फोन बंद था, इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। और हाँ, लोकल पुलिस को भी ट्रैफिक कैमरा के फुटेज में ट्रक कहीं नजर नहीं आया। पूरी फुटेज चेक करने में बहुत वक्त लग जाएगा पूर्वी, इतना वक्त नहीं हमारे पास। यार फारूक के जल्दी करना यार। सर एक काम करो, ये आइस फैक्ट्री का जो मालिक है राणा उसे फोन करो और जरा पता करो कि ये माइलेज लॉग जो होता है वो कहाँ रखता है। अब तो इन्हें जेल जाने के बाद ही होश आएगा क्योंकि नार्को टेस्ट में जो ड्रग्स देते हैं ना उसका असर बहुत देर तक रहता है। बदला लेने के लिए और इस बार फुल एंड फाइनल। हाँ दया, कुछ पता चला, कोई सुराग मिला? हाँ सर, ट्रक का स्पीडोमीटर। हाँ गुड सर, मनीष को वो ट्रक देने से पहले वो ट्रक 34,435 किलोमीटर चला था। और सर जब ट्रक हमें मिला तो स्पीडोमीटर दिखा रहा था 34,885 किलोमीटर। 34,435 मतलब 450 किलोमीटर चला है ट्रक। हाँ सर 450 किलोमीटर। इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं सर कि ये नमित अर्जुन को लेके कहाँ कहाँ जा सकता है। सर ये देखिए, ये है खलीसपुर और ये यहाँ पर ये आइस फैक्ट्री। ये जो डिस्टेंस है ना सर, ये यहाँ से खलीसपुर तक का ये 200 किलोमीटर है। ठीक है, वह नमित ने मनीष से ट्रक चुराया खलीसपुर में और फिर यहाँ से वो गया होगा कहीं पर भी अर्जुन को छुपाने के लिए। अर्जुन को छुपाने के बाद फिर वो चल पड़ा शहर की तरफ क्रकाटो को मिलने के लिए, उसे बताने के लिए यहाँ पर सर। हाँ अच्छा, और वो ट्रक हमें मिली थी इस जगह पे और ये डिस्टेंस है 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर सर, 227 में से 200 किलोमीटर तो ऐसे ही चले जाएंगे। वो खालीसपुर से शहर आया था ना। अरे फेरी आया होगा खालीसपुर से शहर, लेकिन सीधे रास्ते से आया होगा या दूर लंबे रास्ते से आया, हमें कैसे पता चलेगा।
उधर से जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। थैंक यू। देखो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। इससे जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। सर एक अच्छी खबर है, खलीसपुर पुलिस ने उस ट्रक को 15 नंबर हाईवे पे जाते हुए देखा है रॉबरी के बाद। मतलब नामी ट्रक लेकर खलीसपुर से बाहर आया अर्जुन को छुपाने के लिए, अर्जुन को छुपाने के बाद वो सीधा वापस चला गया क्रॉकेटो से मिलने के लिए। और जिस जगह पे क्रॉकेटो मिला था सर, वो जगह यहाँ से खलीसपुर से 203 किलोमीटर है सर, यानी 227 से 203, 24 किलोमीटर। खलीसपुर से 24 किलोमीटर में कहीं पर भी उसने अर्जुन को छुपाया होगा। 12 किलोमीटर की रेडियस में खलीसपुर से यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे 12 किलोमीटर खलीसपुर से? सर 12 किलोमीटर में हमें अर्जुन को ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बस मुझे नमित के फेफड़ों में और उसके विंड पाइप में कोयला और आयरन ओर के ट्रेसेस मिले। कोयला और आयरन ओर? ये तो कोई लोहे की भट्टी है, स्मेल्टिंग फैक्ट्री। सर ये खलीसपुर से आगे इस रोड पे दो फैक्ट्रीज हैं, स्मेल्टिंग दो फैक्ट्रीज। और यहाँ पास में एक सुनसान जगह भी पड़ी है सर। अर्जुन यही कहीं है, छुपा के रखा है अर्जुन को। लेट्स गो। पता नहीं किस हालत में होगा बच्चा। तो नहीं कहीं अर्जुन, 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 बेटा, बेटा, आजा, अर्जुन बेटा, अर्जुन, बेटा आंखें खोलो बेटा, अर्जुन, अर्जुन, नहीं, 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 घबराओ मत, मत घबराओ मत, देख, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दादू हूँ बेटा, तुम्हारा दादू। तुम्हारे पापा का पापा, हाँ तुम्हारे पापा का पापा मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें चल देखते कौन क्या करता है तुम्हें, चल। क्या हुआ बेटा? हाँ माय गॉड अर्जुन, अर्जुन,
पीछे आ जा, पीछे आ जा बेटा। कंधे पर चढ़ जा, चल जा, चलो। अर्जुन, कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। मॉर्स कोड, SOS। दया भी जी जरूर समझ जाएंगे। SOS। गायब कहाँ हो गया? मॉर्स कोड है ये तो। इमरजेंसी, कोई मदद मांग रहा है। पाइप से आवाज आ रही है। पाइप तो वहां नीचे तहखाने, कहीं तहखाने में तो नहीं फंसा है? नीचे देखते हैं। नीचे नीचे ट्रैप, ट्रैप में फंसा है। ऐसे भी सर, अर्जुन उठो। अर्जुन उठा बेटा, स्वरूप है। अर्जुन ठीक है? बस बच्चे की नब्ज नहीं मिल रही है, बंद है। देख उठे, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए।
किसी भी ये लड़ाई क्रिमिनल और सीआईडी ऑफिसर की नहीं, ये लड़ाई है खून की, रिश्ते की। तुमने मेरी औलाद मुझसे छीनी, मैं तुम्हारा पोता तुमसे छीनूंगा। लड़ाई कभी खून की नहीं होती, लड़ाई होती अच्छाई की और बुराई की। तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं छीना, तुम्हारे बेटे को छीना है तुम्हारे अंदर के इस राक्षस ने, जिसकी न जाने और कितनी जाने ली। और शायद तुम्हें ये समझ में आएगा भी या नहीं, पता नहीं मुझे, लेकिन तुम्हें फांसी तो होकर ही रहेगी। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। आप सच बोल रहे थे क्या बेटा कि आप मेरे दादू हो? हाँ, मैं वाकई तुम्हारा दादू हूँ, तुम्हारे पापा का पापा, और तुम मेरे पोते हो। क्या हुआ बेटा, तुम चुप क्यों? दादू पसंद नहीं तुम्हें? अच्छा तो लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे कोई दादू भी है, पर तो आज तक अपने पापा से भी नहीं मिला। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारी नाक है ना, नाक बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसी है। सच्ची? सच्ची। आप पापा कैसे थे, आप खेलते थे उनके साथ? हाँ बेटा, छोटे थे तब बहुत खेलता था, बहुत प्यारे थे तुम्हारे पापा। जब मैं रोता हूँ मेरे आंसू कोई नहीं पूछता, लेकिन आज से मैं आपके आंसू पूछ दूंगा। मेरी मम्मी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए रोना आ जाता है। मैं इतना बुरा हूँ दादू? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो, तुम जैसा प्यारा बच्चा पूरी दुनिया में नहीं है। अब तुम्हें कभी अकेले रहना नहीं पड़ेगा, तुम अपने दादू के साथ रहोगे। आप मेरे मम्मी पापा की तरह मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मेरा कोई नहीं है। आइंदा कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, ये सब है ना तुम्हारे। ये देखो, यहाँ दया अंकल है, अभिजीत अंकल है, फ्रेडी अंकल है, और फिर ये पंकज अंकल है, और ये है पूर्वी आंटी, नाना जी, डॉक्टर साळुंखे। ये कौन है पता है? तारिका आंटी, डॉक्टर आंटी। ये सब मेरे घर वाले हैं आपसे? बिल्कुल, सब तुम्हारे घर वाले हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.